विदिशा जिले में मुरवास पंचायत की सरपंच आशा देवी के पति संतराम धोलपुरिया को वन माफिया द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर मारने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल पठारी के अध्यक्ष हरिनेश यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन पठारी तहसीलदार रमेश मेहरा को सौंपा। मंडल अध्यक्ष हरिनेश यादव ने ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा है कि जाति विशेष के वन माफिया द्वारा संतराम वाल्मीकि की निर्मम हत्या की गई। फकीर मोहम्मद एवं उसके परिवारजन साथियों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से साठगांठ करके वन विकास निगम की भूमि से सागौन के वृक्ष काटकर वन विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा दिया गया। और जब संत राम ने इस अतिक्रमण की शिकायत कलेक्टर, वन विभाग और अधिकारियों से की तो संत राम को मौत के घाट उतार दिया गया। विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। लटेरी तहसील के मुरवास गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने सरपंच प्रतिनिधि की हत्या कर दी, दबंगों के द्वारा हत्या कर दी गई। उनको जमीन पे कब्जे थे और वन विकास निगम के अधिकारी उसमें लिप्त थे। प्रशासन को कई बार अवगत कराया था, प्रशासन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। सरौंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उमाकांत शर्मा जी ने कई बार ज्ञापन दिया और सरपंच प्रतिनिधि ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।